भागवत वाहिनी अध्याय 37। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रेम और माधुर्य के साक्षात मूर्त स्वरूप थे। उनके जगतातीत परम अलौकिक और अद्भुत आकर्षण का वर्णन कर सकना भला किसके लिए संभव है? कोई शब्दों में उनका वर्णन कैसे कर सकता है? तुमने मुझसे श्री कृष्ण की कथाएं सुनाने के लिए कहा, किंतु उनका धरातल तो इतना उच्च और महान है कि वहां तक मनुष्य की वाक शक्ति और शब्द शक्ति की पहुंच ही नहीं। भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं और प्रत्येक अवतार में अनेकों अद्भुत चमत्कार दिखाए गए, किंतु कृष्णा अवतार में जो चमत्कार और लीलाएं दिखाई गईं, वे अति विचित्र, अद्भुत और आकर्षक थीं। एक बार उनके केवल मुस्कुराने मात्र पर जब उनकी दंतावली दिखाई गई, तो जिनके हृदय में प्रेम का स्रोत था, जिनमें भक्ति गहरी थी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों, वासनाओं, आसक्तियों और संकल्प विकल्पों पर विजय पाली थी, उनमें भावनाओं की उत्ताल तरंग उमड़ पड़ी, प्रेम और भक्ति का ज्वार आ गया। उनके स्पर्श मात्र से अपनी देह सुत खो बैठे और इतने समरस हो गए कि सदा के लिए भगवान के साथ एकाकार हो गए और उस आनंद में मग्न रहने लगे। कभी कभी जब भगवान मनोविनोद करते, हास्यपूर्ण कहानियां सुनाते, तो सुनने वाले अपने भाग्य को सराहते थे और सोचते थे कि उनके समान सौभाग्यशाली संसार में और कौन हो सकता है। गोप और गोपियां, ब्रज के नरनारी अपने दैविक काम धंधों में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, यदि श्री कृष्ण को देख भर लेते थे तो अपने स्थान पर ही मंत्र मुग्ध से खड़े रह जाते, मानो कोई मूर्तियां हो। ऐसा था कृष्ण का प्रेम और आकर्षण। और ब्रज की नारियों ने तो अपने मन और प्राण ही कृष्ण को समर्पित कर रखे थे। कृष्ण उनके लिए प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। कोई भी विद्वान जिसका ज्ञान और अनुभव चाहे जितना ऊंचा हो, ब्रजवासियों के उस आनंद, उनके स्वभाव, प्रकृति और व्यवहार को पूर्ण रूपेण समझने और उनका वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा में इतनी शक्ति ही नहीं है, वाणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है। वहां तो सब गूंगे बन जाते हैं, मंत्र मुग्ध से रह जाते हैं और सब असफल हो जाता है। गोप और गोपियों की भावपूर्ण भक्ति समर्पण की कोई सीमा ही नहीं थी। उद्धव सदृश ज्ञानी ने भी उन्हें देखकर यही कहा था, हमने अब तक अपना जीवन वृथा ही गवाया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सुखद सानिध्य में इतने समय तक रहकर भी मैं उनके प्रेम और प्रताप तक पहुंच सकने में समर्थ नहीं हो सका। भगवान के प्रति जो भक्ति और प्रेम इन गोप गोपियों में है, उसका एक अंश मात्र भी मेरे हृदय में नहीं है, जिससे कि उसका अंधकार दूर हो, वह आलोकित और प्रकाशित हो। यदि पुनः उसी रूप में जन्म हो जिस रूप में अब हूं, तो निरर्थक और महत्वहीन होगा। यदि गोप या गोपी के रूप में जन्म पाने का परम सौभाग्य ना मिल सके, किंतु वृंदावन के कुंजों में करील के एक झाड़ में ही अपना स्थान पा सकूं, या वहां चमेली की लता का ही रूप ग्रहण कर सकूं, तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। और यदि यह सब कुछ भी संभव ना हो सके, तो चाहूंगा कि वृंदावन के उन मैदानों में धूप के रूप में ही स्थान पा सकूं, जिस पर होकर गोप गोपियां और श्री कृष्ण नित्य विहार के लिए आते हैं। उद्धव ने इस प्रकार पश्चाताप किया था। उन्होंने बड़ी भक्ति भावना और वेदनापूर्ण हृदय से अपनी उपयुक्त अभिलाषा व्यक्त की थी। उनका हृदय इस भाव से इतना भर गया था कि बस उसी से उनका कल्याण और उद्धार हो गया। इसलिए जो यह कहता है कि गोपियों और कृष्ण के संबंध काम वासना पूर्ण और निम्न स्तर के थे, उन्हें अज्ञानी और मूर्ख ही समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है?
ऐसे लोगों के कथन की ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। हे राजन, केवल वे ही कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं जिनके हृदय अति निर्मल और पवित्र हों, अन्य कोई नहीं। महाराज परीक्षित ने जब यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे गुरुवर, उद्धव जी वृंदावन कब गए थे? ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्हें श्री कृष्ण के पास से वृंदावन जाना पड़ा? मुझे कृपा करके समझाएं। सुखदेव ने कहा, हे राजन, उद्धव भगवान श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते थे, किंतु श्री कृष्ण ने ही उन्हें अपना संदेश देकर गोपियों के पास वृंदावन भेजा। ऐसी दशा में वृंदावन जाने के अतिरिक्त उद्धव के पास और कोई चारा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल एक दिन में ही संदेश देकर लौट आने के लिए कहा था, किंतु वह एक दिन की बिछोह की बात भी उद्धव को असन्न हो रही थी, मानो युगों के लिए विलग हो रहे हों। उन्हें वृंदावन जाना ही पड़ा, किंतु वृंदावन पहुंचकर उनकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। वे सोचने लगे कि समय पूरा हुआ जा रहा है और उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। उद्धव बहुत ही उदास और चिंतित होकर सोचने लगे, खेद है कि मुझे इन लोगों के पास से इतनी जल्दी ही लौट जाना पड़ेगा। काश मुझे अपना शेष जीवन इन लोगों के साथ बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता, किंतु उसे कहां से पा सकता हूं? हे राजन, देखा तुमने, भक्त और भगवान में कोई अंतर होता है क्या? उद्धव को श्री कृष्ण के पास से वृंदावन आने पर इतनी मानसिक वेदना नहीं हुई थी जितनी कि उन्हें गोपियों के पास से लौटने पर हुई। श्री कृष्ण का आनंद तो दोनों ही स्थानों पर समान रूप से प्रवाहित था, गोपी और गोपाल में, भक्त और भगवान में वास्तव में कोई अंतर ही नहीं है। गोपियों ने तो अपने हृदय भगवान की क्रीड़ा स्थली के रूप में परिवर्तित कर लिए थे, उनके मंदिर बन गए थे जिसमें उन्होंने भगवान को प्रस्थापित कर रखा था। उनके अंतर की पिपासा तो कृष्ण रस के अमृत पान से ही तृप्त होती थी। उद्धव को गोपियों की कृष्ण विरह वेदना की गहराई का अनुभव प्राप्त हो गया। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति सच्ची प्रीति की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी थी। उद्धव को यह भी भान हो गया था कि कितनी उद्विग्न और आतुर थी गोपियां श्री कृष्ण का संदेश सुनने को, उसके पालन करने को। गोप और गोपियों ने एक क्षण भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं होने दिया। वे दत्तचित्त पूर्ण उत्कंठा के साथ श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं, लीलाओं, कथाओं और कार्यों का विवरण सुनते रहे। संपूर्ण ब्रज पर श्री कृष्ण का ऐसा मधुर और सुखद प्रभाव था कि चेतन तो जड़वत हो गए थे और जड़ चेतन हो गए थे। उद्धव ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि गोवर्धन पर्वत भी द्रवित हो गया था, उससे आनंद के आंसू प्रवाहित हो रहे थे। उद्धव ने यह भी देखा कि गोपियां जब दैविक आनंद भाव में डूब जाती थीं, तो जड़वत मूर्ति के समान हो जाती थीं। उद्धव को ये नए अनुभव बड़े अद्भुत लगे। इनके सामने का अंधकार छट गया और दिव्य आलोक से आलोकित हो गए। मुनिवर सुखदेव जी भी गोपियों की भक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इतने आनंद मग्न हो गए कि उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वे अपनी सुधी खो बैठे और समाधिस्थ हो गए। ऐसा प्रायः हो जाता था। उनके आसपास बैठे कथा सुनने वाले संत, महात्मा तथा ऋषिगण भी आनंद मग्न हो जाते और उनमें सुखदेव जी सदृश ज्ञानी को भी इतना अधिक आत्म विभोर होते हुए देखकर श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कट अभिलाषा तीव्र हो उठती। सुखदेव जी ने आंखें खोली और कहा, हे राजन, कितने सौभाग्यशाली थे उद्धव। गोपियां जब उद्धव को भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न क्रीड़ा स्थलियां दिखाती हुई गोवर्धन पर्वत पर ले जा रही थीं, तो उद्धव का कौतूहल और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्ग में कठोर चट्टानों और पत्थरों पर भी
श्री कृष्ण और गोप गोपियों के पद चिन्ह वैसे के वैसे स्पष्ट रूप से अंकित थे, जैसे वे काफी समय पूर्व उनके वहां चलने फिरने पर बन गए थे। जब वे गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे तो गोपियों को श्री कृष्ण विरह की वेदना इतनी सताने लगी कि वे सिसकियां भर भर कर रोने लगी। वे तो अपने को बस श्री कृष्ण की याद में खो बैठी और जब एक साथ आर्त स्वर में उनके मुख से हे कृष्ण निकला तो आस पास के सारे पेड़ पौधे भी अत्यंत द्रवित हो गए, रोमांचित हो उठे, इतने संतप्त हुए कि अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए उदासी के साथ अपनी टहनियां नीचे झुका ली। उद्धव ने अनुभव किया कि वृंदावन के गोप और गोपियां ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पत्थर तथा पहाड़ तक श्री कृष्ण विरह के कारण कितने दुखी थे। हे राजेंद्र, और मैं क्या कहूं? उद्धव ने जो दृश्य देखे उससे उनमें श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ हो गए। वे आश्चर्यचकित रह गए, उनका अहंकार क्षीण हो गया और वे अति विनम्र हो गए। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने प्रश्न किया, हे गुरुवर, यह सब कैसे हुआ? यदि कोई आपत्ति ना हो तो मुझे समझाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाने लगे, हे राजन, गोपियों की चेतना कृष्ण चेतना के साथ एकाकार हो गई थी, इसलिए उन्हें सिवाय वासुदेव कृष्ण के और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। प्रत्येक कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधा उन्हें श्री कृष्ण के रूप में ही दिखता था और वे उनमें श्री कृष्ण का रूप देखकर पुकार उठती थी, कृष्ण कृष्ण। उस विरह वेदना के आर्त स्वर से पेड़ और पत्थर भी अब प्रभावित ना रह सके। विरह की उस असन्न तपन और पीड़ा के कारण वे पिघल गए, पेड़ों के पत्तों से आंसू टपकने लगे, उन आंसुओं से पत्थरों की कठोरता भी जाती रही। कितने अद्भुत रहे होंगे वे दृश्य। सर्व सजीवम कहावत वहां प्रत्यक्ष सिद्ध हो गई। वृंदावन के वन और पर्वतों ने भी उद्धव को यह सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेतना और जीवन से विहीन हो। जो गोपियों की महानता को, भक्ति को, जिसके कारण वृक्ष और पत्थर तक भी द्रवित हो गए और विरह वेदना से तड़प कर सिसकियां भरने लगे, समझ सकने में असमर्थ हूं, उन्हें भला इस संबंध में कोई निर्णय करने का और फैसला देने का क्या अधिकार हो सकता है? और यदि वे फिर भी ऐसी धृष्टता करते हों तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी बुद्धि उन पत्थरों से भी अधिक जड़ है। जड़ बुद्धि वाले भला अखिल ब्रह्मांड के स्वामी उन श्री कृष्ण चंद्र के महान तेज प्रताप और बल वैभव को कहां समझ सकते हैं, जिनके सुंदर स्वरूप को देखकर अखिल विश्व मोहित है। वे भुवन मोहक हैं, वहां तक तो विशुद्ध, पावन और निर्मल बुद्धि की ही पहुंच हो सकती है। इसी प्रकार उस दिन सायंकाल उद्धव वृंदावन में एक दृश्य देखकर बड़े प्रभावित हुए। संध्या समय ब्राह्मण और द्विज विधि विधान पूर्वक संध्याकालीन अग्नि पूजा और अन्य कर्मकांड में लीन थे। गोपियां अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए पड़ोस के घरों से प्रज्वलित अग्नि अथवा दीपक जलाकर ला रही थी। उद्धव ने देखा कि जिस घर में सर्वप्रथम संध्याकालीन दीप जला और अग्नि प्रज्वलित की गई वह बाबा नंद जी का घर था, जिसमें रहकर श्री कृष्ण छोटे से बड़े हुए थे और खेले कूदे थे। गोपियां एक के बाद एक उस घर में जा रही थी और समारोह पूर्वक वहां से अपने दीप जलाकर ला रही थी और अपने अपने घर जा रही थी। उद्धव गांव के सार्वजनिक भवन के पास खड़े होकर यह सब दृश्य देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक गोपी श्री कृष्ण जी के घर में दीप जलाने भीतर गई, किंतु काफी समय हो गया वह बाहर नहीं आई। उसके पीछे आई बाहर खड़ी गोपियों को अपने दीपक जलाने का अवसर नहीं मिल रहा था और उन्हें देर हो रही थी।
वे अधीर हो उठी। इतने में माता यशोदा अपने कमरे से बाहर आईं, तो देखकर दंग रह गईं और चिल्ला उठी, अरे यह क्या संकट आ पड़ा। उन्होंने उस गोपी की पीठ सहलाई और उठाने का प्रयास करने लगी। वह तो अपनी सुध-बुध खोए हुए थी। आसपास खड़ी गोपियों ने उसे धीरे से खींचकर दीपक के पास से अलग हटाया, जिससे उसे विश्राम मिले और उसकी सुध लौटे। उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गई थी और काली पड़ गई थी। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसकी चेतना लौटी। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि दीपक की लौ पकड़ ली और आनंद विभोर होकर उस लौ को पकड़े रही। उसकी उंगलियां झुलस गईं और उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उद्धव इस घटना से बड़े विस्मित और प्रभावित हुए। गोपियों की भक्ति का यह एक अद्भुत उदाहरण उनके सामने था।